और यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग भाटी चोखा लगाए जो कि मॉर्निंग में ही आ जाती हैं। दोस्तों अत्रगिरही में भी किया हूँ, जब वो हवा रूपी में जल्दी से एक ही दिन में कर चली आई तो शंकर जी बोले कि नहीं अत्रगिरही ऐसे नहीं किया जाता। पार्वती जी और शंकर जी दोनों लोग साथ आए। स्वागत है दोस्तों आप लोग को सेल्फी बॉय पर। तो मेरा नाम है मनोज प्रजापति। हालांकि दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैं इस टाइम हूँ आदि केशव घाट, जो कि महिला लोग अत्रगिरही करती हैं, जो कि गौरा पार्वती चल कर आई थी इसी रास्ते से, तो उसी के उपलक्ष्य में महिला लोग अत्रगिरही करती हैं और उन लोग का दो दिन का ठिकान रहता है और चौका घाट रुकती हैं। जब मनगंगा घाट से उठता है तो रास्ते में घूमते घूमते चौका घाट आती हैं, चौका घाट रात भर रहती हैं, फिर चौका घाट से आती हैं आदि केशव घाट, फिर आदि केशव घाट से फिर मनगंगा घाट पर जाकर संकल्प छोड़ाती हैं। तो उन लोग का अत्रगिरही पूर्ण होता है और अपने घर पर चली जाती हैं। तो हालांकि दोस्तों ये रास्ता आप लोग का राजघाट सीधे चला जाएगा और ये चला जाएगा और ये रास्ता सराय महाने कपिलधारा इसी से आशापुर पचकोसी सारनाथ जा सकते हैं। और इसी रास्ते से महिलाएं लोग आती हैं अत्रगिरही कर। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग भाटी चोखा लगाएं जो कि मॉर्निंग में ही आ जाती हैं और ले चलेंगे नीचे भी दिखाएंगे। और आदि केशव घाट है और विष्णु भगवान जी का मंदिर है, ले चलेंगे नीचे दिखाएंगे। और इसी के रास्ते से नीचे जा रहे हैं आप लोग को ले चल कर और आगे दिखाएंगे। और आपका उस साइड है चंदन सहित और यही रास्ता है, नीचे ले चल कर आप लोग को दिखाएंगे। देख सकते कुछ महिला रुकी हुई हैं और इधर साइड में देख सकते हैं महिला लोग का यह होता है और कुछ छोटे बच्चे भी करते हैं और पुरुष भी लोग करते हैं, लड़के भी करते हैं यह अत्रगिरही। महिलाएं लोग हैं और मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और इस टाइम कम है। और यही रास्ता है और उस रास्ते से लोग जाती हैं महिला लोग, ले चल कर और आगे भी दिखाएंगे आप लोगों को। और ये देखिए इसी रास्ते से लोग आती हैं, उस तरफ भी रास्ता है, ले चलेंगे आप लोग को दिखाएंगे। ये यहाँ पर प्रसाद वसाद का दुकान भी लगा हुआ है इस साइड में। जब यहीं पर यह लाश वाला धाम है अत्रगिरही करना का। और ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेला लगा हुआ था जो कि मॉर्निंग में ही, और इस टाइम दोपहर का टाइम हो गया है, ये देख सकते हैं। और ये है विष्णु भगवान जी का मंदिर और यहीं पर यही है आदि केशव घाट। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी महिला लोग आए थे दर्शन करने के लिए, अत्रगिरही करने के लिए, जो कि गौरा पार्वती इसी रास्ते से आई थी। और यहाँ पर सभी लोग सामान बंद, मतलब कल के लिए खोलेंगे, इस टाइम समय सामान समेट रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और ये नाय लगा हुआ है जो कि कुछ महिला इसी रास्ते से पैदल जाती हैं सीधे और कुछ नाय से भी जाती हैं महिला लोग। और ये देखिए कुछ महिला जो पीछे से छुटी हुई हैं, ये करीब एक बज चुका है और यह एक बजने का समय है। यहाँ पर महिलाएं लोग स्नान सुबह में कर लेती हैं और इसी के रास्ते चलते चलते लोग आती हैं। और ये कुछ लास्ट है और इसके बाद नेक्स्ट टाइम में मैं सुबह का भी मैं वीडियो डालूंगा कल। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी यहीं पर बाटी चोखा लगता है, बाटी चोखा दाल चावल यहीं पर बनाते हैं लोग, महिला लोग। ये आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो कि साफ सफाई किया जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बाटी चोखा यहाँ पर लगा हुआ है। ये आप लोगों को गगरी दिख जाएगा छोटे बड़े। और इस साइड में भी ये देख सकते हैं सभी जगह सभी महिलाएं यहीं पर रुकती हैं, बाटी चोखा लगाती हैं और आदि केशव घाट पर। और ये महिला लोग आ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भक्त लोग यहाँ यह अत्रगिरही करती हैं, जो कि हम भी किए हैं ये सब देखिए। और ये कर्मचारी लोग साफ सफाई कर रहे हैं, शाम तक ये अच्छे से पूरा साफ हो जाएगा। और इस साइड में नाव लगा हुआ है और ये महिला लोग हैं।
जो कि लोग बुला रहे हैं इस साइड में नाव पर जाने के लिए, और कुछ महिला तो पैदल ही चली जाती हैं। और इस पर जो कि यहाँ से आदिकेश्वर घाट से बैठाएंगे, मनकनका घाट पर ले जाएंगे, छोड़ेंगे और वहाँ पर संकल्प छोड़ा जाता है। तो महिला लोग हैं और देखिए यहाँ पर सभी लोग हैं और जा रही हैं, जो कि इस समय भीड़ कम भी है देखने को मिलेगा। और 33 रुपया लिया जा रहा है, तो छोड़ देंगे मनकनका घाट पर यहाँ पर। दोस्तों अत्रगिरी मैं भी किया हूँ, और ये जो गौरा पार्वती जी थी, और यह गौरा पार्वती जी शंकर जी को जब खाना देने गई, और कुछ स्टोरियाँ जो कि हमें पता है, जो कि गौरा पार्वती जब शंकर जी को खाना देने गई तो फिर कुछ टाइम के लिए वो नहीं रही, तो फिर शंकर जी पूछे कि आप कहाँ गई थी, तो बोले थी अत्रगिरही करने गई थी। तो यह अत्रगिरही जब वो हवा रूपी में जल्दी से एक ही दिन में कर चली आई, तो शंकर जी बोले कि नहीं, अत्रगिरही ऐसे नहीं किया जाता है, और महिला लोग भी करेंगी तो एक ही दिन में कैसे करेंगी पूरा। तो अपने गौरा पार्वती जी और शंकर जी दोनों लोग साथ आए, और फिर चौका घाट जाकर एक जगह रुके, जो कि मनकनका घाट से चलती हैं चौका घाट से तबादी केशव घाट, जो कि कुछ महिला जहाँ नाय से भी जाती हैं और कुछ लोग पैदल भी जाती हैं। तो ये आपका ठीक सामने आदि केशव घाट है। तब शंकर जी ने बताया कि इसी तरह अत्रगिरही किया जाता है, तो महिला लोग यहाँ पर रुकती हैं और भाटी चोखा लगाती हैं। और देखो वीडियो यह काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सेल्फी बाय को इसी तरफ सपोर्ट करते रहिएगा।